सिवाय नोबड़ी और जो काम कर रहे हैं ना वो बात ही नहीं करते जो नहीं काम कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है बहुत ज्यादा ज्ञान है कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा अब साउथ का रिमेक नहीं चलेगा और दृश्यम 200 करोड़ कर लेती है अभी बिक्स के लिए चलेगा, ये ही चलेगा यही होगा और फिर दृश्यम दो करोड़ कर लेती है कैसे तो किसी को कुछ पता नहीं आप अपना काम करते रहो जो आपका कन्विक्शन है उससे काम करो अगर सही बैठा तो सही बैठेगा नहीं बैठा तो नहीं बैठा हाँ और नाइनटी परसेंट लोगों की मत सुनो जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है क्योंकि उनको कुछ नहीं पता क्योंकि अगर सबको पता होता रणवीर तो हमारा रेशो सेवन परसेंट सक्सेस का नहीं होता या टेन परसेंट सक्सेस का नहीं होता हम दो सौ साठ फिल्म साल में बनाते हैं पेंडेमिक के पहले अब वापस वो शुरू हो जाएगा और हमारा सक्सेस रेशो दस का है हम छब्बीस फिल्में भी सुपरहिट नहीं बनाते साल में हम दस ब्लॉक बनाते हैं जिसमें से चार होंगी जो हंड्रेड करोड़ होंगी दो होंगी जो एक रोहित शेट्टी की आ जाएगी एक कोई आउट ऑफ द ब्लू है ना निकल के आएगी सरप्राइज पैक होगा कि अरे ये फिल्म इतनी बड़ी कैसे होगीवली आपको जब साल खत्म होता है तो आपको दस फिल्में याद रहती हैं पांच और याद रह जाएंगे जिनका जो चली नहीं है लेकिन उनका कॉन्टेंट बहुत प्यारा था तो हमारा रेशो अगर हमारा रेशियो टेन का भी नहीं है तो लोग कैसे बात कर सकते हैं उन्हें किस तरह की नॉलेज है और कहाँ से है ये नॉलेज

डायरेक्टर कैसे बने एक्सीडेंटली बन गया मैं मतलब मैंने शुरुआत उससे की एंड देन डायरेक्शन में ज्यादा रुचि आई एंड हाउ इट बन और अब दोनों कर लेता हूं

वाओ wow. ओके okay, आपने मेरे को एक अलग ट्रिप में पहुंचा दिया पर मैं आपको आ, आपके फॉर्मूला के बारे में पूछना चाहूंगा जो आपने ये हाईलाइट किया कि दस फिल्म हिट होती है आ, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा <laughs> है तो एज वी सम डीपर फॉर्मूला रिवील कर दो सर कोई फॉर्मूला नहीं है यार. मैंने बोला ना आई एम दन वन एंड हम्बल एक मिनट एक मिनट तो आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं मेरे दिमाग में आते हैं कोई फिल्म देखते और ना ये कई बार होता है मतलब कि वो एक तहमत लग जाती कि ये तो रीमेक ही कर रहे हैं रीमेक ही कर रहे हैं वो बट ऐसा होता नहीं है वो एक लाइक एक बिजनेस डील होती है कई बार जब फिल्म मेक साउथ की फिल्म बन रही है या हमारे यहाँ से फिल्म बन रही है अन करोड़ों रुपए इन्वॉल्व होते हैं उसमें वो होता ना यार कॉपी करके बना दिया ऐसा नहीं होता इट्स लाइक अ बिजनेस डील कि हम ये फिल्म बना रहे कि आप लोगों को बनाना चाहेंगे ये हमारी स्क्रिप्ट है या बनने के बाद दे कम टू अस के ये हमारे पास ये एक ये एक स्क्रिप्ट है आप देख लीजिए ये, ये हमारी फिल्म है एंड ऑफ नॉट सो इट्स अगर हमारी फिल्म यहां पर हिट होती है और ऑब्वियसली जो आ, पब्लिक है उनको नहीं रियलाइज होता है तो और जो फ्यू ऑफ द मीडिया पीपल वो उसको एक कॉपी का टैग दे लेते ऐसा नहीं होता है जैसे सिंगम भी जब बनी तो सिंगम रिलायंस ने वो प्रोड्यूस की थी फंड की थी वो फिल्म तो जाके वो हमारे पास आई और फिर उसको हमने चेंज किया इफ यू सी द ओरिजिनल सिंगम और हमारी सिंगम अलग है सेम थिंग विद सिम्बा ऑल्सो सिम्बा में अगर आप देखें तो बिगनिंग में टाइटल ओरिजिनल राइटर का नाम आता है प्रोड्यूसर का नाम आता है और, hmm. so अच्छा और सुबह बना ली ऐसा नहीं हो एंड सेम थिंग यहाँ से भी होती है बट वो होता है ना कि अच्छाइयों की जगह बुराइयाँ ज्यादा हाईलाइट होती हैं तो कोई चेन्नई एक्सप्रेस की बात नहीं करेगा कोई गोलमाल लगन की बात नहीं करेगा कोई सूर्यवंशी की बात नहीं करेगा कोई गोलमाल थ्री की बात नहीं करेगा जो साउथ में हमने बेची है और बनी है गोलमाल थ्री बोल बच्चन वाज गोलमाल बट फिर वो बोल बच्चन जो बनाई हमने वो हमने फिर में में हमने फिर साउथ में 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 रिलीज हुई उसके राइट्स बेचे एंड uh, उसी तरह से बहुत सारी फिल्में वहां भी बनती हैं यहाँ भी बनती है बट इट्स नॉट लाइक वो एक तोमत लगा दी जाती है कि अच्छा इन्होंने देख के बना दिया ऐसा नहीं होता है इट्स लाइक पेपर वर्क इट लाइक ऑफ द टाइम इट कम्स फ्रॉम देर मैं इंजीनियर हूँ मैं हर चीज़ को एक इंजीनियरिंग के नजरिए से देखता हूँ आई एम स्टिल ट्राइंग टू कम अपर फॉर्मूला क्योंकि आई फील कि कुछ तो फॉर्मूला एटलीस्ट कुछ एलिमेंट फॉर्मूला आई वुड से फॉर्मूला ऑडियंस देती है uh, आपके ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन बिकॉज आई डू टेलीविजन सो पहले वो रोहित शेट्टी नाम था और फिर वो रोहित शेट्टी को एक फेस मिल गया बिकॉज ऑफ टेलीविजन तो लोग आपको जानते हैं लोग इतना प्यार करते हैं गोलमाल थ्री रिलीज हुई थी आई वॉज एट आई थिंक चंडीगढ़ एयरपोर्ट या हाँ एंड वन गाय केम टू मी कि कैन आई टॉक टू यू हाँ मैं वेट कर रहा था एयरपोर्ट पे तो ईज लाइक मैंने गोलमाल थ्री देखी एंड आई टू से थैंक यू टू यू एंड ही वाज लाइक के चालीस बयालीस दिन पहले फोर्टी टू डेज पहले फोर्टी थ्री डेज पहले मेरे डैडी की डेथ हुई माई मॉम इंटू अ डिप्रेशन एंड फोर्टी डेज जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता है कि, या तो तेरह दिन के बाद लोग बाहर निकलते हैं या चालीस दिन तक उस चीज़ को के बाद देखा माउट सो कि क्या करें मम्मी के लिए एंड गोलमाल का तो थिएटर में मैंने पहली बार अपनी माँ को हंसते हुए देखा फोर्टी टू डेज देन आई वॉज शूटिंग फॉर आई वॉज अगेन एट द एयोर्ट एंड लेडी थैंक बोले आई हैव अ डॉटर आई एम अ होम मेकर मैं मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी बेटी है आई थिंक दो या तीन साल की तो मेरे हस्बैंड चले जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि कोई नहीं घर पर मुझे काम करना है तो मैं चेन्नई एक्सप्रेस लगा देती हूँ वो ढाई घंटा मेरी बेटी बैठी रहती है मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ और हमने चार डीवीडी उस जमाने में डीवीडी थी बोले इतनी घस गई है कि चौथी डीवीडी अभी खरीदी है सो दिस इज व्हाट यू लर्न एंड यू रियलाइज वन लेडी केम टू मी के कि टीवी पर है तो मुझे रिमोट अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती फ्रॉम यर यू लर्न के आप ये मेरी ऑडियंस है एक तबके के लोग हैं जो मेरी फिल्म नहीं पसंद करते ना हम एब्सोल्युटली ओके विद दैट और आदमी की एक अपनी चॉइस होती है मैं जो और आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं हो सकता है बहुतों को पसंद आए कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है जब आप ये डिसाइड कर लेते कि मुझे इनको केटर करना है यही मेरी दुनिया है यही मेरे लोग हैं और मुझे इनको कैटर करना है मुझे सबको नहीं, सब नहीं करना है मैं पूरी दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकता हूँ बट मैं इनके लिए मेहनत करूंगा इनके लिए काम करूंगा आई थिंक दैट इज द रीजन दैट आईम सक्सेसफुल Okay. और मैं हमेशा उनके लिए ही सोचता हूँ कि नहीं नहीं यार ये आई एम नॉट सेइंग सेक्स सीन कुछ गलत है या स्मूचिंग कुछ गलत है बट मेरी वो ऑडियंस नहीं है वो मेरी ऑडियंस नहीं है तो मैं म, और मुझे अगर मुझे पता है कि ये मेरी ऑडियंस है कई बार ये भी हो सकता है कि उनको भी नहीं पसंद है जो मैंने बनाया बट मैं एक सेगमेंट को कैटर करता हूँ एंड बाय द grace of god वो सेगमेंट इज लाइक 80% ऑफ द बिजनेस टी clips Hindi क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों लव टू यू ऑल नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को यानी पूरे एपिसोड को उसके नीचे हमने लिंक किया है एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा